दोस्तों, मैं हूँ आदि और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो अपने तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करता था। गांव वालों की वहाँ इलाज करवाने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगती थी। अरक निरंजन, हे भूत, इस शरीर में से भाग जा, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा। यम 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 यम, घूम 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 घूम। क्या कहा? 7 दिन बाद जाएगा, चावल की बोरी में जाएगा। ठीक है, 7 दिन बाद एक भरी हुई चावल की बोरी लेकर आना, मैं उसमें उसे डाल दूंगा, बस फिर ये ठीक हो जाएगा। निरंजन। पासी में एक डॉक्टर का दवाखाना है। आदि और मोटू आते हैं। डॉक्टर को चिंतित बैठा देखकर आदि डॉक्टर से पूछता है कि आप कुछ चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? अब क्या बताऊं आदि, लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते हैं, इलाज पर नहीं। अरे बाबा, उन्हें भूत प्रेत के साए का डर दिखाकर इन भोले गरीबों से बहुत पैसे ठगते रहता है। भला ये भी कोई इलाज का तरीका है? उस बाबा की चंगुल से इन्हें कैसे बचाए, यही सोच रहा था। आदि को एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर को अपना आइडिया सुनाता है। दूसरे दिन गांव में एक बाबा आते हैं। बाबा गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। झोपड़ी के बाहर एक बोर्ड लटका हुआ है, उस पर लिखा है, कम पैसों में भूत भगाओ भोले बाबा। धीरे धीरे गांव वाले उनके पास आने लगते हैं। ओ काले कलकत्ते वाली, बाबा करते सबकी झोली खाली। मुंह खोलो बच्चे, हाँ आंखें खोलो, अरे हाथ लाओ इधर लाओ बच्चे। अरे 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 अरे, इसको तो बड़े भूत ने पकड़ रखा है। बुखारा बुखारा, देखो बच्चे, इसको सुबह शाम खाने के बाद लेना, और हाँ चावल खाना, दाल पीना, और रोटी मिर्ची तेल को नहीं खाना। भूत आ जा मेरे वश में, और बच्चे तुम घर पहुंचे बैठ के बस में। भूत यम हूँ मैं, यम तुम्हारा यम हूँ मैं। और धीरे धीरे लोग अच्छे होने लगे और पास में बैठे दूसरे बाबा के पास कोई नहीं जाता। अब मेरे पास कोई नहीं आता, बहुत समय तक इन्हें ठगा, अब दूसरे गांव जाता हूँ और उन्हें ठगता हूँ। अलग निरंजन। और वो बाबा अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा अब हमें भूत हैरान नहीं करते, आप बहुत बड़े बाबा हो। हम बड़े बाबा हैं। आप सभी हमारे इलाज से खुश हो ना, तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे? हाँ हाँ, आपने हमें अच्छा किया है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। डॉक्टर अपना वेश निकाल देता है। ये देखकर सभी चकित रह जाते हैं। मैं आपका डॉक्टर ही हूँ। आदि ने आपके अंधविश्वास को दूर करने के लिए मुझको ये नाटक करने के लिए कहा था। देखो, ये भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो तुम्हारे बीमारियों के अनुसार तुम्हें दवाइयां देता था और उसी के अनुसार खाना पीना बताता था। देखो, हमारा खाना पीना ठीक नहीं होने के कारण शरीर में बीमारियां होती है, भूत प्रेत के कारण नहीं। अंधविश्वास पर विश्वास मत करो, नहीं तो कोई भी तुम्हें ठग दे जाएगा। हाँ, भूत प्रेत का डर दिखाकर उसने हमें बहुत ठगा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद आदि, अब से हम तंत्र मंत्र के चुगल में नहीं फंसेंगे। अलक निरंजन। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।